हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल बी टेक में। और आपके लिए आज जो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, तो दोस्तों जो आज का टॉपिक है वो है कि जो इंडिया में 5G कब तक आएगा। दोस्तों जो इंडिया में 5G आने की लीक्स है वो ज़्यादा बढ़ चुके हैं और पक्का है कि जो 5G आएगा इंडिया में। तो दोस्तों जो इसकी लास्ट डेट होगी वो होगी 2020। तो दोस्तों 2020 से तक या फिर 2020 में इंडिया में मतलब कि 5G आएगा। तो दोस्तों ना इसके बाद मतलब कि उनकी डेडलाइन शुरू हो जाएगी, 2021 में उनकी डेडलाइन शुरू हो जाएगी। और दोस्तों जो मतलब कि कंपनीज है वो 6G की और देखना शुरू करेगी। लेकिन दोस्तों जो 5G है उसमें ऐसा देखने को मिला है कि जो सबसे पहला जो फ़ोन है वो ओप्पो का आ सकता है, क्योंकि दोस्तों जो पिछले कल टेक्निकल गुरुजी के चैनल में बताया गया कि जो ओप्पो मतलब कि सबसे पहले स्मार्टफोन लाने का दावा कर रहा है कि मैं वो सबसे पहले स्मार्टफोन लाएगा। तो दोस्तों एक बात यह है कि जो फ्लैगशिप स्मार्टफोन मार्केट है वो 2019 में फ्लैगशिप स्मार्टफोन के थ्रू 5G लाएगी। लेकिन दोस्तों जो मतलब मिड रेंज है और बजट रेंज है उनमें 2020 में 5G देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि जो भी एडवांसमेंट आती है वो सबसे पहले फ्लैगशिप के थ्रू आती है और लास्ट में बजट रेंज में जाती है। दोस्तों जो भी आज तक एडवांसमेंट हुई वो इस तरह ही काम करेगी और इसमें भी इसी तरह काम करेगी। तो दोस्तों जो 2019 का जो फर्स्ट क्वार्टर है उसमें हम 5G नहीं देख सकते दोस्तों। मैक्सिमम इसकी प्रडिक्शन की जा रही है वो भी इंडिया में। दोस्तों वर्ल्ड में 5G आ सकता है लेकिन इंडिया में फर्स्ट क्वार्टर में 5G देखने को नहीं मिलेगा। फर्स्ट क्वार्टर मतलब कि मार्च तक। दोस्तों मार्च के बाद 5G देखने को मिल सक लेकिन दोस्तों जो कंपनीज मतलब कि सिग्नल प्रोवाइड करती है जैसे कि ISP, तो दोस्तों जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स है जैसे कि एयरटेल है, जियो है, उस तरह की जो कंपनीज है वो मतलब कि अभी काम ही कर रही है इसके ऊपर, बीटा टेस्ट करेगी। तो दोस्तों लगभग आप 2019 के जो थर्ड क्वार्टर है वहाँ तक आपको वेट करना ही होगा इंटरनेट का मतलब कि यूज़ करने के लिए फ्लैगशिप फोन्स में 5G के सिग्नल में। तो दोस्तों 5G में मतलब कि एक बात यह भी है कि जो उसकी लाइन्स है वो भी, तो दोस्तों जो लाइन्स है उसमें बिछने का भी काफ़ी ज़्यादा मतलब कि टाइम लगेगा। लगभग आपको 2020 का जो क्वार्टर सेकंड या क्वार्टर थर्ड है वहाँ तक मतलब कि ओवरऑल इंडिया में लाइन्स बिछने की प्रोबेबिलिटी है। लेकिन दोस्तों उससे पहले लगभग जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ है वहाँ पर ही आपको मतलब कि 5G देखने को मिलेगा या फिर राउटर्स वगैरह में आपको 5G देखने को मिलेगा। और दोस्तों तब तक फ़ोन्स भी आपके सामने आ जाएंगे 5G वाले। तो दोस्तों 2019 का जो सेक्टर सेकंड और सेक्टर थर्ड है वो काफ़ी क्रूशल बनेगा इसके लिए। तो दोस्तों जो सिम्स मतलब कि जो ISPs है वो कौन सी होगी जो मतलब कि 5G सबसे पहले लाएगी, तो दोस्तों इसमें जियो और एयरटेल के बीच में बहुत बड़ी टक्कर चली हुई है। दोनों के वहीं अभी तक मतलब कि टेस्ट अच्छे किए दोनों ने और जो उनका ब्रॉडबैंड है वो भी तैयार हो चुका है। और जो ISP के थ्रू मतलब कि वो सर्विस जो प्रोवाइड करेंगे वो भी उसमें भी वो कामयाब है। तो दोस्तों इस तरह से ये देखने को मिल सकता है जो एयरटेल और जियो है वो उससे आपको मतलब कि सर्विस प्रोवाइड करने में ज़्यादा आसानी होगी और दोस्तों मैक्सिमम अमाउंट में आपको मतलब कि प्रॉफिट मिल सकता है जियो के थ्रू। अगर जियो मतलब कि जैसे उसने 4G के टाइम लाया था, अगर 5G में भी लाए तो दोस्तों बहुत ही अच्छा रहेगा। और दोस्तों दोस्तों अगर हम मतलब कि ओवरऑल वर्ल्ड के कंपैरिजन में देखें तो इंडिया में 5G मतलब कि काफ़ी देर बाद आएगा बाकी कंट्रीज़ के कंपैरिजन में। तो दोस्तों इस तरह से मतलब कि जो 5G की जो स्मार्टफोन्स है बजट रेंज स्मार्टफोन वो भी काफ़ी देर बाद आएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। आप देखते रहिए मेरा चैनल बी टेक, मैं आपके लिए ऐसे वीडियो लाता रहूँगा। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को शेयर कर देना। दोस्तों फ़िलहाल इतना ही,
जय हिंद, जय भारत।